नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे अब बिग फोटोकॉपियर मशीन में ईडीएफ का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो पेज लगाता है इसी को ईडीएफ बोलते हैं। यहाँ से पेज यहाँ पे देना पड़ता है। जब यहाँ पे पेज दोगे इस पेज को आप सेटअप कर लेना है ठीक से दोनों साइड। और ये देख पा रहे हो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट आ रहा है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है ईडीएफ प्रिंट करने के लिए। अगर हम इस पेज को निकाल देते हैं तो आप देख पाएंगे इस लाइट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देख पा रहे हो ये लाइट ऑफ हो चुका है। यहाँ पर ये जो सेंसर है, यहाँ पर ये तीनों सेंसर है और अंदर भी एक सेंसर है, ये जब पेज हम लगाएंगे तो ये सेंसर कैच कर लेता है कि यहाँ पे काम करने के लिए। तो आप चाहे इस तरफ भी पेज दे सकते हैं और इस तरफ भी आप पेज दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ आप यहाँ पे ठीक से एडजस्ट करके आप अपना पेज को देके काम कर सकते हैं, ठीक है। या इस तरह से आप पेज भी देके काम कर सकते हैं। तो मैं अभी इस तरफ करूँगा, मैं पेज को ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो जब भी मैं इस पेज को यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लाइट आ रहा है। अब यहाँ का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे देखना है, यहाँ पे सिर्फ ये एक साइड है। अगर एक साइड करना है तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पे कलर और चाहे तो परसेंटेज आप घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैं 99 में रख के इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली पेज अंदर गया और यहाँ से बाहर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं और यहाँ से प्रिंट निकलेगा, प्रिंट बाहर आ चुका है। ये आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे तरीके से प्रिंट होके बाहर आ चुका है, ठीक है। अब मैं ये हो गया सिंगल साइड, अब मैं दोनों साइड कैसे प्रिंट करते हैं इस बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इस फॉर्म को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे दोनों साइड प्रिंट हुआ है, अब देख पा रहे हो ये पैन कार्ड का फॉर्म है, इसको मैं बोथ साइड मतलब एक ही पेज में दोनों साइड प्रिंट करके मतलब जेरोस करके मैं दिखाता हूँ। इसको मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइट जल रहा है और इस तरह का कोई मैसेज अगर देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे टू साइड वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे 2x2 साइड के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब चाहे तो यहाँ से कलर घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ से आप परसेंटेज थोड़ा और कम कर लेता हूँ, ये डन कर देता हूँ। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ से बहुत सारी कॉपी निकाल सकते हैं, 2, 4, 5 जितनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जितनी चाहे कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप चाहे एक साथ ईडीएफ में एक साथ आप 10, 20, 50, 100 तक का पेज आप यहाँ पे एक साथ रख के आप यहाँ से एक साथ स्कैन करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि दोनों पेज एक साथ यहाँ पे खींच ना ले, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अब मैं एक पेज कर रहा हूँ, इसके लिए कोई ध्यान रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ही पेज अंदर जाएगा, दोनों पेज तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 85 किया था, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ही पेज करूँगा। आप यहाँ पे देख पाओगे जब मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा वो दोनों साइड स्कैन होगा ऑटोमेटिकली। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देख पा रहे हो पेज अंदर जा रहा है, चला गया। और यहाँ से वापस आके फिर से अंदर जाके फिर से बाहर आएगा, हो गया स्कैन। अभी यहाँ से प्रिंट निकलेगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड प्रिंट होके बाहर आ चुका है, ठीक है।
तो आप भी इस तरह से अपना जो फोटोकॉपी मशीन है, आप भी इस तरह से यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।